तो हमास और हिजबुल्ला के डबल खतरे को लेकर इजराइल में बहुत घबराहट है। इन दोनों ने अब ऐसे हमले करने शुरू कर दिए हैं जिसमें इजराइल बुरी तरह से फंसता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन नेतन्याहू के सलाहकार इसे इजराइल के लिए मौत का फंदा बता रहे हैं। हालांकि इजराइल की बात करें तो इजराइल के पास अब दो विकल्प बचे हैं, या तो वो सीज फायर कर दे या फिर इस युद्ध को लंबे वक्त तक लड़ने के लिए तैयार रहे। लेकिन इजराइल सीज फायर करना नहीं चाहता, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि लंबा युद्ध लड़ने के लिए उसके पास अब हथियारों की कमी भी होने लगी है और हमास अब इसी बात का फायदा भी उठाने लगा है। वीडियो के एक एक फ्रेम को बहुत गौर से देखिए। हमास अपने से कई गुना शक्तिशाली इजराइल की सेना से कैसे लड़ रहा है, यह वीडियो इसका उदाहरण है। हमास के लड़ाके बेहद सस्ते रॉकेट, जिनकी कीमत कुछ $100 भी नहीं होगी, जमीन से दाग रही है। इतना सस्ता और जुगाड़ का रॉकेट हमास ने तैयार किया है कि इजराइल भौं चक्का है। इन सस्ते से रॉकेट के लिए इजराइल को अपने लाखों डॉलर की मिसाइलें खर्च करनी पड़ रही है, क्योंकि गाजा की ओर से आया एक तिनका भी इजरायली डिफेंस के टारगेट पर है और वो इजराइल की सीमा में दाखिल हो उससे पहले नस्तो नाबूद किया जाना जरूरी है। हथियार शास्त्र समझिए और युद्ध में इजराइल के नुकसान को समझिए। हमास का सस्ता रॉकेट, इजराइल की महंगी मिसाइल, कीमत $100 से $500, कीमत $100,000। इजरायली खुफिया एजेंसी और इजरायली एयरफोर्स की सारी ताकत इन जैसे बेहद कमजोर और हल्के रॉकेट को रोकने में लग रही है। हमास के अल कुद्स ब्रिगेड ने ऐसा ब्रेन लगाया है कि इजराइल की परेशानी बढ़ गई है। यहाँ आपको हमास के अल कुद्स ब्रिगेड के बारे में जरूर जानना चाहिए, क्योंकि इजराइल के खिलाफ हमास की लड़ाई में अल कुद्स ब्रिगेड फ्रंट लाइन पर लड़ रहा है। अल कुद्स ब्रिगेड गाजा में हमास के बाद नंबर दो संगठन है। 1981 से यह संगठन फिलिस्तीन में इस्लामिक राज स्थापित करने के लिए इजराइल के साथ हिंसक जंग लड़ रहा है। अल कुद्स के टॉप लीडर का नाम है जियाद अल नाखल्ला। ये खुद सीरिया की राजधानी दमिश्क में रहते हैं, लेकिन वहीं से अपने लड़ाकों को ऑर्डर देते रहते हैं। हमास कैसे इजराइल की वॉर स्ट्रेटेजी का तोड़ निकाल रहा है, इसकी कुछ और डिटेल आपको आगे दिखाएंगे, क्योंकि युद्ध में जीत की गारंटी आर्थिक नुकसान की तुलना में हमेशा बड़ी होनी चाहिए, लेकिन इजराइल के साथ ऐसा नहीं हो रहा। युद्ध में इजराइल को इतने बड़े पैमाने पर अपने संसाधनों और हथियारों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है कि अमेरिका से अब इनकी सप्लाई शुरू हो गई है। ठीक यही किस्सा यूक्रेन में भी हुआ था। दरअसल यूक्रेन की सस्ती मिसाइलों के खिलाफ रूस को अपने करोड़ों डॉलर की मिसाइलों का इस्तेमाल करना पड़ रहा था। हमास के सस्ते रॉकेट के खिलाफ इजराइल अपने महंगे मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है, यानी गाजा को जलाने की कीमत इजराइल को भुगतनी पड़ रही है। इजराइल ने इससे बचने के लिए आसमान में अपने सबसे खतरनाक परिंदे में से एक को पिंजरे से बाहर निकाला है। इस परिंदे वाले हथियार की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि इजराइल पर हमले के बाद हमास के लड़ाके सुरंगों में छिप जाते हैं, जिसकी वजह से इजराइल की सेना को उन्हें ठिकाने लगाने में परेशानी होती है। हमास ने गाजा में करीब 500 किलोमीटर लंबी सुरंगें बना रखी हैं। ये सुरंगें घनी आबादी वाले इलाकों से होकर गुजरती हैं और हमास के इन सुरंगों का था लगा पाना इजराइल की सेना के साथ वहां की खुफिया एजेंसी मोसाद के लिए भी चुनौती बन गया है। इजराइल की मीडिया के मुताबिक इसीलिए इजराइल ने अपने सबसे ताकतवर जासूसी ड्रोन एल्बिट हरमेस 450 को गाजा में उतार दिया है, ताकि जमीन के नीचे बसी हमास की दुनिया का नक्शा निकाला जा सके और वहां छिपे हमास के एक एक लड़ाके को मौत के घाट उतारा जा सके। इजरायली मीडिया का दावा है कि ये जासूसी ड्रोन निगरानी के लिए बेहद कारगर है। इसे इतना ताकतवर माना जाता है कि ये पाताल में छिपे दुश्मन का भी पता लगा सकता है। इजरायल की मीडिया के मुताबिक
ये ड्रोन एक बार में करीब 20 घंटे तक उड़ान भर सकता है। इसकी रेंज करीब 300 किलोमीटर तक बताई गई। एल्बर्ट हर्मिस 450 ड्रोन करीब 170 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। और सबसे खास है इसका रेडार सिस्टम, जो जमीन के नीचे होने वाली हलचल का भी पता लगा सकता है, वो भी 18,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरते हुए। इसराइल के पास दुनिया की सबसे लेटेस्ट तकनीक वाले ड्रोन मौजूद हैं। इसराइल के पास हमास के खिलाफ लड़ने के लिए अभी बहुत से हथियार भी हैं, जिनका इस्तेमाल इसराइल युद्ध जारी रहा तो जरूर कर सकता है। दूसरी ओर ड्रोन के स्तर पर हमास भी कमजोर नहीं है। कामिकाजे ड्रोन टेक्नोलॉजी को ईरान के जरिए हमास के आतंकवादियों तक पहुँचाया गया है। इसके जरिए इसराइल की फौज के हरेक मूवमेंट को हमास के लड़ाके पहले ही जान लेते हैं। काले रंग का कामिकाजी ड्रोन आत्मघाती हमला पर है। इसी ड्रोन के जरिए अभी तक आईटीएफ के खिलाफ हमास ऑपरेशन को अंजाम देते आया है। ये यूक्रेन में इस्तेमाल किए जा रहे ईरान के शाहिद ड्रोन का सस्ता वर्जन है। हमास की सुरंगों में अभी काफी हथियार बचे हुए हैं, जिससे जमींदोज किए बिना हमास का संपूर्ण विनाश संभव नहीं है। लेकिन इसराइल के साथ परेशानी यह है कि हमास ही अकेला दुश्मन नहीं है। लेबनान के हिजबुल्ला भी हैं, यमन के हूथी विद्रोही भी हैं, जिनकी ओर से हमास के समर्थन में इसराइल पर मिसाइलों और रॉकेट से हमले हो रहे हैं। हालात इतने बदतर हैं जैसे कभी भी किसी भी वक्त तीसरा विश्व युद्ध भड़क उठे। यमन के हूथी विद्रोहियों ने फिर इसराइल को निशाना बनाने की कोशिश की है। इस वक्त लेबनान के हिजबुल्ला से भी ज्यादा हमले इसराइल पर हूथी कर रहे हैं। इन हूथी विद्रोहियों का आका है ईरान। हूथी विद्रोहियों के मिसाइल लाल सागर से होती हुई दक्षिणी इसराइल के एलट शहर में गिरने वाली थी, लेकिन इसराइल ने लाल सागर से आती हुई उन बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराने का दावा किया, क्योंकि दक्षिणी इसराइल के एलट शहर में उसका एरो 3 मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात है, जिसने हूथी विद्रोहियों की मिसाइलों को पहचान कर मार गिराया। הלחימה נמשכת, אין הפסקת אש, אנחנו חוזרים על זה, אין הפסקת אש, אנחנו ממשיכים להילחם. हूथी विद्रोहियों को रोकने के लिए अमेरिका ने लाल सागर में अपना एयरक्राफ्ट कैरियर आइजन हावर उतारा है, तो वहीं हिजबुल्ला के खिलाफ भूमध्य सागर में जेराल्ड फोर्ड पहरा दे रहा है। इसराइल के पास खुद दुनिया का टॉप एयरक्राफ्ट सिस्टम मौजूद है। इसराइल इस वक्त गाजा में अपनी पूरी ताकत से जुटा हुआ है हमास के अंतिम लड़ाके की मौत तक। यमन से आती मिसाइल को इसराइल के एरो 3 मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने नष्ट कर दिया। इसराइल का एरो 3 मिसाइल डिफेंस सिस्टम सटीक हमले करने में माहिर है और मिसाइल को ट्रैक करके उसे हवा में तबाह करने का दम रखता है। इसराइल ने जब एरो 3 मिसाइल डिफेंस सिस्टम का टेस्ट किया था तो ये 100% सफल रहा था। हमास किसी भी स्तर पर इसराइल के सामने नहीं टिक सकता, लेकिन सवाल है कि इस युद्ध का अंत क्या है? क्या किसी साजिश के तहत पश्चिमी एशिया को जलाने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि इस वक्त जो साफ दिख रहा है वो ये कि गाजा की आग में आम फिलिस्तीनी मर रहे हैं, लेकिन उस आग में कई दूसरे देश हाथ सेक रहे हैं। दरअसल रूस, ईरान और चीन, ये तीनों नहीं चाहते कि माहौल शांत हो, क्योंकि इन तीनों देशों को पता है कि पश्चिम एशिया उनके दुश्मन अमेरिका की कमजोर कड़ी है और इसराइल की वजह से अमेरिका दुनिया में अलग थलग पड़ता जा रहा है, क्योंकि गाजा में जो कुछ हो रहा है उसके लिए अमेरिका को भी जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। ये तीनों देश इसका फायदा उठाना चाहते हैं और इसीलिए पश्चिम एशिया के मुस्लिम देशों को अमेरिका के खिलाफ इन लोगों ने खड़ा करना शुरू कर दिया। पश्चिम एशिया के मुस्लिम देशों की संख्या अच्छी खासी है। अगर रूस, ईरान और चीन को इराक, जॉर्डन, कुवैत, लबनान, ओमान, फिलिस्तीन, कतर, सऊदी अरब, सीरिया, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात और यमन जैसे देशों का साथ मिल गया तो फिर पूरी बाजी ही पलट सकती है। इन सारे देशों के बीच इसराइल अमेरिका के खिलाफ एक होने की ताकत उस लेवल पर कभी नहीं रही जैसा कि दावा किया जाता रहा है। संयुक्त अरब अमीरात और ईरान के बीच भी सुलगते मुद्दे हैं। 22 देशों का अरब संगठन शब्दों का खेल खेल रहा है। फिलिस्तीन में मानवीय मदद के नाम पर कुछ ट्रकों को भेजे जाने के अलावा इन देशों ने कोई कदम नहीं उठाया। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी अपने शब्दों से ही परमाणु युद्ध छेड़ते रहे हैं। जमीन पर उनका एक भी शब्द सही नहीं उतरा है। युद्ध में कमजोर का मारा जाना तय है और हमास इसराइल से बहुत 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 कमजोर है, लिहाजा गाजा चल रहा है धू धू। कब तक चलेगा कोई नहीं जानता।